आज हम आपको सिखाते हैं कि कढ़ी कैसे बनाई जाती है। पहले हमने ये देखें, हाफ के जी बाजार से मिलने वाला खट्टा दही लेना है और उसमें 3 टेबलस्पून ये वाले भर के बेसन के डालने हैं और पानी डालना है। फिर इस तरह एक पीली में थोड़े से प्याज को सुरख करना है और उसमें 1 मीडियम साइज टमाटर डाल देना है और साथ 1 टेबलस्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। फिर हमने इसको थोड़ी देर पकाना है और फिर हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। देखें, फिर हमने इसको थोड़ी देर पका लेना है और साथ हमने इसमें टू एंड हाफ टेबल स्पून चिली पाउडर शामिल करना है, लाल मिर्च और 1 और 2 ही टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करना है, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करना है और हल्दी पाउडर 1.5 चम्मच शामिल करना है और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इंतहाई आसान और सादा रेसिपी है इसकी, कोई भी घर में बना सकता है और मज़े लेके खा सकता है। रोज़ ही घर में ये मसला होता है कि आज क्या पकाएं। तो एक दिन हफ्ते में बंदा घर में कढ़ी और पकोड़े भी खा सकता है बना के। इंतहाई सादा और आसान रेसिपी है इसकी। अब हम इसमें दही और बेसन का मिक्सर शामिल करने लगे हैं जो हमने ब्लेंड किया हुआ था और साथ इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ये देखें, अब इसमें उबाले आने दें और इसको मीडियम आंच पर हाफ एंड हाफ पकाना है, आधे घंटे के लिए पकाना है आपने। फिर आपकी कढ़ी तैयार हो जाएगी। फिर हमने इसमें पकोड़े ऐड कर देने हैं।